ये चीख पुकार और हिंसक रूप लेता विरोध प्रदर्शन, ये दिल का चोटने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं पटना विधानसभा के बाहर से, जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों के चलते नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायक कर्ता आज विधानसभा का घेराव करने अपनी अधूरी मांगों को लेकर वहां पहुंचे और देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र रूप लेने लगा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बल द्वारा बेरहमी से वाटर गन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से कई आंगनबाड़ी सेविकाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मियों की नीतीश सरकार से कुछ मांगे हैं, जिनमें समय से मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग प्रमुख है। मेरा मानना है कि किसी भी प्रजातंत्र में किन्हीं को भी हक है कि वो अपनी मांग रखे, और सरकार का भी ये दायित्व है कि उस मांग की गरिमा को ध्यान में रखे। मैं समझता हूँ कि वाटर कैनन सबसे एक सूक्ष्म प्रणाली है जब आप किसी अपोजिशन से डील करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो सरकार है जिनकी कार्यशैली मैंने देखी है बीते एक वर्ष से कम, उसमें इतना तय है कि किसी की भी मांग होती है उस पर विचार होता है संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ।